स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्सिक प्रो में। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, इसरो के प्रीवियस ईयर पेपर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का पेपर एग्जाम डेट 21/2/2015 को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था 30 क्वेश्चन तक। इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन के आगे को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसरो में ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसरो का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप इन सारे प्रीवियस ईयर पेपर को देख के जाइएगा, ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 30 डिग्री इक्वल टू हाउ मैनी रेडियंस, मीन्स 30 डिग्री को क्या करना है, रेडियंस में बदलना है। तो हमें पता है कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 हो जाएगा। ठीक, पाई बाई 180 हो जाएगा। 30 डिग्री की वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 30 से 180 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से निकल के आता है कि 30 डिग्री इक्वल टू कितना, तो 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक, वैसे भी अगर पाई का मान रखा जाए तो पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 31 का ऑप्शन नंबर सही हो जाता है बी, की पाई बाई 6 बराबर होता है 30 डिग्री के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दिए गए किसी आरपीएम के लिए यदि ड्रिल का व्यास बढ़ता है तो कर्तन गति पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फॉर ए गिवन आरपीएम इफ द डायमीटर ऑफ द ड्रिल इंक्रीज कटिंग स्पीड विल बी। तो आपको पता होना चाहिए कटिंग स्पीड का फार्मूला क्या होता है, पाई सॉरी तो बी बराबर पाई N/1000। ये कटिंग स्पीड का फार्मूला होता है, यूनिट होती है मीटर पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल रहा है कि यदि किसी दिए गए आरपीएम पर, मीन्स जो यन है इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स रखी गई है, एन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यदि ड्रिल का व्यास बढ़ता है तो कटिंग स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो बी है कटिंग स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डी के, ड्रिल के डायमीटर के। मीन्स यदि कटिंग स्पीड बढ़ेगा तो ड्रिल का डायमीटर भी क्या होगा, बढ़ेगा। सॉरी, ये ड्रिल का डायमीटर बढ़ता है तो कटिंग स्पीड भी बढ़ेगी, ड्रिल का डायमीटर कम होता है तो कटिंग स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। कंडीशन क्या है, आरपीएम सेम होना चाहिए। ठीक, यहाँ से उत्तर क्या हो जाएगा कि अगर ड्रिल का व्यास बढ़ता है तो कटिंग स्पीड भी क्या करेगी, बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। 32 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए, एक ड्रिल जिग में कौन सा भाग कठोर किया जाता है, व्हिच इन ड्रिल जिग व्हिच पार्ट इज हार्डेंड। ड्रिल जिग का ये जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। ठीक, ड्रिल जिग में बॉडी एवं बुश को क्या करते हैं, हार्ड और टेम्पर किया जाता है। ठीक है, बेसिकली बुश का कार्य क्या होता है, तो ड्रिलिंग रिमिंग टैपिंग करते समय ये कटिंग टूल को क्या करता है, गाइड करने का कार्य करता है। ठीक, तो किस पार्ट को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, तो बॉडी को और बुश को हार्ड और टेम्पर किया जाता है, आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, यदि एक शाफ्ट का व्यास 50 प्लस में 0.050 प्लस 0.035 है और छिद्र का व्यास है 50 प्लस 0.50 प्लस 0.045 है, तो यहाँ से हमें निकालना है कि शाफ्ट और छिद्र के बीच सर्वाधिक अंतराल कितना होगा। मीन्स हमें होल का डायमीटर दे रखा है, शाफ्ट का डायमीटर दे रखा है, और हमें निकालना है मैक्सिमम क्लियरेंस इनके बीच में कितना होगा। ठीक है, मैक्सिमम क्लियरेंस से आपको आशा लग गया होगा, उम्मीद मीन्स आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सी फिट है, क्लियरेंस फिट है। तो शाफ्ट का डायमीटर हमें दे रखा है 50 और उसके प्लस में 0.050 और प्लस 0.035। तो यहाँ से शाफ्ट के मैक्सिमम साइज की बात की जाए तो 50 में हम क्या करेंगे, 0.050 को ऐड करेंगे तो 50.050 mm आ जाएगा। मिनिमम के लिए हम इस वाले वैल्यू को बेसिक में ऐड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो मिनिमम शाफ्ट साइज 50.035 आ जाएगा। होल की बात की जाए तो यहाँ 50 में हम 0.050 को ऐड करेंगे तो हमारा होल का हो जाएगा मैक्सिमम साइज। मिनिमम साइज की बात की जाए तो 50 में हम ऐड करेंगे 0.045 को तो हमारा मिनिमम होल आ जाएगा, 50.045 निकल के आ जाएगा। ठीक, मीन्स आपको शाफ्ट का डायमीटर होल का डायमीटर दे रखा है तो आप इस लिमिट को ऐड करके उसका मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना है। तो मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए फार्मूला होता है मैक्सिमम होल साइज माइनस मिनिमम शाफ्ट साइज, मीन होल के बड़े से बड़े डायमीटर में से अगर हम शाफ्ट के छोटा सा छोटा डायमीटर घटाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि फिट में मैक्सिमम क्लियरेंस कितनी है।
तो मैक्सिमम होल साइज कितना दे रखा है, 50.050 है। मिनिमम साइज शाफ्ट का साइज कितना है, तो मिनिमम शाफ्ट का साइज 50.035 है। जब हम इससे माइनस करते हैं तो 0.015 निकल के आ जाता है, मीन्स 15 माइक्रोन का इसमें क्लियरेंस है। देख लेते हैं 34 का कौन सा ऑप्शन सही है, तो 0.015 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 34 का। ठीक, करना क्या होता है, हमें इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट निकालनी होती है। अब मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना, तो हमने तो होल के मैक्सिमम में से शाफ्ट का मिनिमम माइनस कर दिया। यदि हमें मिनिमम क्लियरेंस निकालना होता कि मिनिमम क्लियरेंस कितना होगा, तो शाफ्ट के मिनिमम में से हम क्या करते हैं, सॉरी, होल के मिनिमम में से शाफ्ट का मैक्सिमम साइज घटा देते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 35 नंबर का। एक नियमित षडभुज के दो पार्श्वों के बीच समाहित कोण कितना होता है, व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन टू साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। हमने इसे दो वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। यदि कोई एक रेगुलर हेक्सागोन है तो यहाँ इसके दो साइडों के बीच का एंगल कितना होता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। शॉर्ट मेथड क्या होता है आउटर एंगल निकालने के लिए, 360 डिग्री को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ साइड से, यहाँ नंबर ऑफ साइड 6 है, तो कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री निकल के आ जाएगा आउटर एंगल। ठीक, अब आउटर एंगल 60 डिग्री हो गया, तो इनर एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे 60 को, तो कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 120 डिग्री। मीन्स रेगुलर हेक्सागोन के दो मीन्स जो साइड होते हैं उनके बीच का इंटीरियर एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है, क्लियर होना चाहिए। ठीक, या आप कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 36 नंबर का, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। निम्नलिखित में से लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन है, तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, रॉट आयरन होता है, जो कि 99.99% प्योर आयरन होता है। इसमें कार्बन की परसेंटेज 0.01 से 0.02 के बीच में कार्बन की परसेंटेज मात्रा पाई जाती है। यहाँ से पूछा जाता है कि लोहे का सबसे अशुद्ध रूप कौन सा होता है, तो पिग आयरन क्या होता है, सबसे इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है, और सबसे प्योर क्या होता है, रॉट आयरन होता है। बात की जाए कास्ट आयरन की, तो इसमें कार्बन की परसेंटेज पूछी जाती है, जो कि 2 से 4% तक की कार्बन की परसेंटेज इसमें होती है। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। कास्ट आयरन को हम किस भट्टी से प्राप्त करते हैं, तो क्यूकोला फर्नेस से प्राप्त करते हैं। पिग आयरन को ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा बनाया जाता है, और ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा पिग आयरन के निर्माण करने की विधि को क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं, हिंदी में इसे प्रगलन कहा जाता है। रॉट आयरन को किस भट्टी से बनाया जाता है, तो रॉट आयरन को पुडलिंग फर्नेस से या फिर बेसेमर कन्वर्टर के द्वारा भी इसका निर्माण किया जाता है। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है प्वाइज इज द यूनिट ऑफ, प्वाइज किसकी यूनिट है, 37 नंबर का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, प्वाइज किसकी यूनिट है। ऑप्शन दिया गया है सबसे पहला एनर्जी, तो हमें पता है एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। प्रेशर दाब, दाब की यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। तो प्वाइज किसकी यूनिट हो जाएगी, विस्कोसिटी श्यानता की यूनिट हो जाएगी प्वाइज। ठीक, कोई भी लिक्विड है, कोई भी द्रव है, कितना गाढ़ा है, इसका हम पता कैसे लगाते हैं, तो उसकी विस्कोसिटी से लगाते हैं। तो विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसकी यूनिट क्या होती है, प्वाइज होती है, आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सहन क्या है, व्हाट इज टॉलरेंस। तो टॉलरेंस क्या होता है, किसी भी मान लीजिए कोई भी आपका पार्ट है, चाहे वो होल हो या फिर शाफ्ट हो, तो उसके अपर लिमिट और उसके लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसी को क्या कहते हैं, टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, पहले में छिद्र की बात की गई है और शाफ्ट की बात की गई है, तो ये हमारा नहीं सही होगा। तीसरे वाले में न्यूनतम छिद्र सर्वाधिक शाफ्ट, ये भी नहीं सही होगा। बी नंबर ऑप्शन में हमें मिल जाता है द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, मीन्स मैक्सिमम लिमिट साइज और मिनिमम लिमिट साइज के बीच का जो अंतर होता है, वही क्या होता है, टॉलरेंस होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम होल एंड मिनिमम शाफ्ट, तो मैक्सिमम होल और मिनिमम शाफ्ट ये क्या हो जाता है, ये मैक्सिमम क्लियरेंस हो जाता है। सी नंबर में बात की जाए द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम होल एंड मैक्सिमम शाफ्ट, तो ये क्या हो जाता है, में होगा मैक्सिमम क्लियरेंस और यहाँ से हो जाता है मिनिमम क्लियरेंस। ठीक, और अगर टॉलरेंस की बात की जाए तो मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच का अंतर होता है, वो शाफ्ट भी हो सकता है और होल भी हो सकता है, कोई भी आपका मीन्स कंपोनेंट हो सकता है। थर्ड नेक्स्ट चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ कोन विथ बेस रेडियस आर एंड हाइट एच। कोई कोन है, शंकु है, जिसके आधार की त्रिज्या आर है और ऊंचाई एच है, तो उस शंकु का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ आयतन निकालना है। तुम्हें पता है वॉल्यूम ऑफ आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू एच। ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है।
तो यहाँ 1/3 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यह किसका फार्मूला हो जाएगा, शंकु के आयतन वॉल्यूम ऑफ शंकु का फार्मूला हो जाएगा। ठीक, चलते हैं। अगर बात की जाए पाई आर स्क्वायर एस तो किसका होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 40 नंबर का, एक क्यूबिक मीटर लगभग किसके बराबर होता है, मतलब कितने क्यूबिक फीट के बराबर होता है। 1 क्यूबिक मीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मैनी क्यूबिक फीट। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमें पता है 1 मीटर बराबर क्या होता है, 3.28 फीट के बराबर होता है। ठीक, बात की जाए कि 1 मीटर में कितना फीट होता है, तो 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, हमें पता है। तो 1 मीटर क्यूब निकालने के लिए क्या करना होगा, 3.28 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा आपस में। तो जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल के आता है 35.3 फीट क्यूब। कितना निकल के आता है, 35.3 फीट क्यूब। तो जो 1 मीटर की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो 35.3 फीट क्यूब के बराबर होती है। तो चूंकि यहाँ 35 के अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो ये 37 दिया गया है, तो ये 40 नंबर का हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चूंकि 11 बहुत कम है, 29 भी कम है, 25 भी कम है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट पूछ रहा है, लगभग पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। एग्जैक्ट पूछा जाए तो 35.3 उसका उत्तर निकल के आता है। ठीक, नेक्स्ट देखा जाए 41 नंबर क्वेश्चन, इन इक्विलेटरल ट्रेंगल। ठीक, क्या पूछा गया है यहाँ पर, इक्विलेटरल ट्रेंगल के बारे में, सॉरी फॉर डिस्टेंस डिस्टर्बेंस, क्या पूछा गया है 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है इन इक्विलेटरल ट्रेंगल की, इक्विलेटरल ट्रेंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होते हैं, तीन साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, या उसके दो एंगल इक्वल होते हैं, या फिर उसके तीन एंगल इक्वल होते हैं, कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए ट्रेंगल के बारे में, अकॉर्डिंग टू, अगर साइड के आधार पर बात की जाए तो साइड के आधार पर हमारे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है इक्विलेटरल ट्रेंगल, कौन सा आता है, इक्विलेटरल ट्रेंगल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, एक समान होती है। ठीक, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, एक समान होती है, उनकी लंबाई आपस में बराबर होती है, उनकी लंबाई आपस में बराबर होंगी तो उनके कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और ये सभी कोण कितने होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार का जो त्रिभुज होता है उसे इक्विलेटरल ट्रेंगल या फिर हिंदी में समबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, तीनों कोण भी बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं, जो आपको ऑप्शन में दिया गया उसके अनुसार जा सकते हैं। अब इसके बाद अगर बात की जाए कुछ और त्रिभुज के बारे में, जो दूसरा था भुजा के आधार पर, वो था आइसो स्केल ट्रेंगल। क्या था, आइसो स्केल ट्रेंगल। आइसो स्केल्स में क्या होता है, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है आपस में, मान लीजिए कोई ये त्रिभुज है, अब इसकी दो भुजा क्या है, आपस में बराबर है, तीसरी भुजा की लंबाई अलग है, तो ये क्या होता है त्रिभुज, इस प्रकार के त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज या फिर आइसो स्केल ट्रेंगल के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात की जाए थर्ड नंबर के, तो थर्ड नंबर का होता है स्केलन ट्रेंगल, SCALEN, स्केलन ट्रेंगल। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में समान नहीं होती है, मीन्स तीनों क्या होती हैं, अलग अलग लेंथ की होती हैं, तो उसे कहा जाता है विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रेंगल के नाम से जाना जाता है। ये किसके आधार पर था, ये था अकॉर्डिंग टू साइड के आधार पर, और कोण के आधार पर बात की जाए तो वहाँ भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है एक्यूट एंगल, जिसके एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। दूसरा राइट एंगल होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तीसरा होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, जिसमें कोई एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल कहते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, स्टील रूल का न्यूनतम काउंट कितना है, द लीस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल। स्टील रूल का लीस्ट काउंट आप सभी को पता है, स्टील रूल क्या है, बेसिकली स्टेनलेस स्टील स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है, जो कि एक प्रकार का डायरेक्ट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। डायरेक्ट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मीन्स इसके द्वारा प्रत्यक्ष रैखिक माप को मापा जाता है। ठीक, लीस्ट काउंट कितना होता है, तो इसका लीस्ट काउंट 0.5 mm होता है मेट्रिक में। ब्रिटिश में बात की जाए तो 1/64 इंच होता है। कितना होता है, 1/64 इंच इसकी ब्रिटिश में लीस्ट काउंट होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा कि 0.5 mm इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक, किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील या फिर स्प्रिंग स्टील का बना होता है, और इसके ग्रेजुएशन की लाइनों को किसके द्वारा फिनिश किया जाता है, तो क्रोम फिनिश इसको किया जाता है, चौकी चूंकि ये बढ़िया से दिखाई दे सके। कमिंग टू 43 नंबर क्वेश्चन, पॉइंट एंगल ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल, एक ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है, एंटी ड्रिल का बिंदु
कोण कितना होता है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड पूछा गया है कि जो नॉर्मल साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल प्रयोग किया जाता है उसमें पॉइंट एंगल कितना होता है, तो होता है 118 डिग्री। साधारण कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले ट्विस्ट ड्रिल का एंगल कितना होता है, 118 डिग्री होता है। अब ये हार्ड धातुओं के लिए क्या होता है, अधिक होता है 118 से, और सॉफ्ट मेटल के लिए क्या होता है, 118 डिग्री से कम हो जाता है। बेसिकली ट्विस्ट ड्रिल के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर, 10 mm टैप के टैपन के लिए कौन से ड्रिल का उपयोग किया जाता है, व्हिच ड्रिल इज यूज फॉर टैपिंग 10 mm टैप। यहाँ पर बेसिकली ना बात किया गया है कि फिनिश के लिए, ना बात किया गया है या रफ के लिए। तो जनरली जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली मेजर डायमीटर में से उसकी पिच को माइनस कर देते हैं। तो 10 के लिए आपको क्लियर होना चाहिए पिच कितनी होती है, 1.5 होती है। ठीक, अगर M10 का हमें स्क्रू थ्रेड काटना है तो उसके लिए पिच कितनी होती है, 1.5 होती है। तो अगर 10 में से 1.5 को माइनस किया जाए तो कितना निकल के आएगा, 8.5 निकल के आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा सही ऑप्शन है। बट ये बात की जाए फिनिश थ्रेड के लिए कि M10 के लिए हमारा टैप ड्रिल साइज कितना होता है, तो इसको हम देख लेते हैं टैप ड्रिल साइज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। टैप ड्रिल साइज बराबर होता है टैप साइज माइनस 2D। डी मतलब क्या होता है, डेप्थ होती है, डेप्थ ऑफ थ्रेड होती है। अब डेप्थ ऑफ थ्रेड बराबर होती है 0.61 पी के, ये होता है मेट्रिक में, पी मीन्स होता है पिच, ब्रिटिश की बात की जाए तो 0.63 पिच के बराबर होता है। ठीक, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो कि मीट्रिक कैलकुलेशन आसान है तो इसकी वैल्यू कम होती है, ब्रिटिश थोड़ा कैलकुलेशन टफ होता है इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो 61 पी बराबर होता है डी किसके, मीट्रिक में, 0.63 पी बराबर होता है ब्रिटिश में। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो मेजर डायमीटर हमें टैप साइज दिया गया है 10 mm, 2D के स्थान पर 0.61 पी रखना है, 0.61 पी का मान 1.5 रख दिए, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 3 को 0.61 से मल्टीप्लाई किया तो 1.83 निकल के आ गया, 10 में से 1.83 को माइनस करेंगे तो 8.17 निकल के आ जाता है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, परफेक्ट एक्यूरेट होता है टैप ड्रिल साइज। अगर 8.17 ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो 8.2 की तरफ जा सकते हैं, अगर 8.2 भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है तब 8.5 की तरफ आपको जाना होता है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया 45 नंबर की, मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ HSS मीन्स हाई स्पीड स्टील का मुख्य संघटन क्या होता है, उसकी कंपोजिशन क्या होता है। तो हाई स्पीड स्टील में क्या होता है, टंगस्टन, क्रोमियम और वैनेडियम होता है। तो यहाँ से अगर 45 नंबर की बात की जाए, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, टंगस्टन निकिल क्रोमियम स्टीलाइट, ये गलत है। दूसरा टंगस्टन निकिल सेटेलाइट कोबाल्ट, ये भी गलत है। टंगस्टन क्रोमियम सिलिकॉन वैनेडियम, ये भी गलत है, क्योंकि सिलिकॉन इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही होगा, नन ऑफ दीज, किसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं करा। वैसे होता क्या है, टंगस्टन होता है 18%, क्रोमियम होता है 4% और वैनेडियम होता है 1%। मुख्य अलाइंग एलिमेंट क्या होता है, 18% टंगस्टन होता है हाई स्पीड स्टील में, आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर की बात की जाए, किसी धातु की तन्यता उसे किसके लिए सक्षम बनाती है, डक्टिलिटी ऑफ ए मेटल इनेबल इट। तो डक्टिलिटी का मेटल मतलब क्या होता है, कि धातु का वो गुण होता है जिसके कारण क्या कर सकते हैं, उसे हम पतले तारों के रूप में खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तो भी ड्रॉन इनटू थिन वायर मीन पतले तारों के रूप में उसे हम खींच सकते हैं डक्टिलिटी के कारण। दूसरा बात की जाए बी नंबर का, तो ये क्या है, टू शेप इनटू फाइन शीट, शीट के रूप में जो गुण होता है ढालने की उसे हम कहते हैं मैलेबिलिटी। एक टू ब्रेक इनटू पीसेस विद स्मॉल फोर्स, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूट जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ब्रिटलनेस जाना जाता है, कास्ट आयरन में सबसे ज़्यादा होता है। दूसरी धातु को काटने योग्य जो गुण बनाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हार्डनेस के नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ से हमारा कौन सा, चारों ऑप्शन को हमने क्लियर कर लिया, बट क्वेश्चन डक्टिलिटी पूछ रहा है, तो टू ड्रॉन इनटू थिन वायर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए, व्यास डी से युक्त एक शीट से एक नियमित बहुभुज को काटना है, कोने भर की चौड़ाई क्या है, ए रेगुलर हेक्सागोन इज टू बी कट फ्रॉम ए शीट ऑफ डायमीटर डी, द विथ अक्रॉस कॉर्नर इज। यहाँ पर पूछा गया कोई एक हमारा क्या है, कोई एक डी डायमीटर का हमारा क्या है, सर्किल है। ठीक, अब इससे हमें क्या करना है, एक रेगुलर हेक्सागोन इसमें बनाया गया है। ठीक, एक रेगुलर हेक्सागोन का इसमें निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो इसके अक्रॉस विथ होती है कॉर्नर की, ये कितनी होती है, तो आपको क्लियर होना चाहिए होता है डी कॉस 30। कितना होता है, डी कॉस 30, या फिर आपको दिया जाता है अंडर रूट 3/2 D के बराबर होता है। तो ये किसकी वैल्यू होती है, अंडर रूट 3/2, तो ये वैल्यू होती है हमारी कॉस 30 की वैल्यू होती है, या फिर ये साइन 60 की वैल्यू होती है। तो कह सकते हैं डी कॉस 30 या फिर डी साइन 60 के बराबर होती है। ठीक,
तो अंडर रूट 3/2 d ये इसके बराबर होती है। ठीक, अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है समझने में तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको एक स्पेशल हेक्सागोन पर एक स्पेशल वीडियो बनाकर दे देंगे। नेक्स्ट 48 नंबर, इंजीनियरिंग आरेखण चित्र में 45 नत कोण के साथ चिन्हित किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है इन इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिस डॉट 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 आर ड्रॉन इंक्लाइन 45 डिग्री। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 45 डिग्री पर इंक्लाइन लाइन के द्वारा किसको प्रदर्शित किया जाता है, जो ये लाइन हम खींच रहे हैं तो इस लाइन का नाम क्या होता है, इसे हम कहते हैं सेक्शन लाइन। क्या होती है ये, सेक्शन लाइन के नाम से जानी जाती है। तो 48 नंबर का ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि 45 डिग्री पर कौन सी रेखा खींची जाती है, तो सेक्शन लाइन परिच्छेदी रेखाएं खींची जाती हैं। बात की जाए अगर अदर लाइनों की, जो कटिंग प्लेन लाइन होती है, डायमेंशन लाइन होती है, ये किसके अंतर्गत आती है, तो कटिंग प्लेन लाइन है या फिर जो डायमेंशन लाइन है आउटलाइन होती है। लाइन के टाइप की बात की जाए तो बेसिकली दो प्रकार के होती हैं, ठीक, एक होती है थिन लाइन, एक होती है थिक लाइन और एक होती है मीडियम लाइन। तो तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं इसको। बट जो हमारी ये कटिंग प्लेन लाइन होती है, कौन सी, कटिंग प्लेन लाइन और उसके साथ आउटलाइन या फिर जो डॉटेड लाइन होती है, ये मीडियम के अंतर्गत आती हैं। इनकी थिकनेस होती है 0.2 mm होती है इनकी थिकनेस, और इनको मीन्स इनको खींचने के लिए कौन से पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम बेसिकली प्रयोग करते हैं आउटलाइन, डॉटेड लाइन, सेक्शन लाइन या फिर डायमेंशन लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है 2H पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ अगर अदर की बात की जाए सेंटर लाइन या फिर सेक्शन लाइन को, तो सेंटर लाइन और सेक्शन लाइन को और इसको डायमेंशन लाइन को, इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो 0.1 mm थिकनेस के अंतर्गत रखा जाता है। तो कटिंग प्लेन लाइन होती है थोड़ी मोटी होती है, इसकी थिकनेस 0.2 होती है, ठीक, या फिर जो इसके साथ साथ जो दूसरी हमारी लाइन है डायमेंशन लाइन और कौन सी लाइन, सेक्शन लाइन, तो ये पतली लाइन के अंतर्गत आती है थिन लाइन, इसकी थिकनेस जनरली 0.1 होती है, 0.1 mm, और इसे खींचने के लिए हम प्रयोग करते हैं 4H पेंसिल का या फिर 3H पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब एक आधार की ओर नत किसी कट तल द्वारा एक लंब वृत्तीय शंकु को काटा जाता है तो उस कट का सही आकार क्या होता है। When a right circular cone is cut by a section plane inclined to the base, the true shape of the section is, 49 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेप्टिकल होता है। उसका आकार कैसा होता है, इलेप्टिकल होता है। इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। दो ऑप्शन आपको यहाँ, दो कॉलम बनाएंगे, पहला है पोजीशन ऑफ द कटिंग प्लेन और दूसरा है ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। ये क्या है, इंक्लाइन टू द एक्सिस ऑफ द जनरेटर, जो मीन्स कटिंग किया जा रहा है प्लेन वो क्या है, इंक्लाइंड है एक्सिस से कटिंग प्लेन के, तो उसमें क्या निर्माण होता है, उसमें इलिप्स का निर्माण होता है। दूसरा पैरेलल टू एक्सिस है, तो पैरेलल टू एक्सिस में क्या होता है, हाइपरबोला होता है, ट्रू शेप हाइपरबोला के आकार होगा। फिर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, तो वहाँ पर सर्किल के शेप में होता है। पासिंग थ्रू द एक्सिस और द एपेक्स से अगर वो पास करता है या एक्सिस से पास करता है तो वहाँ पर ट्राइंगल होता है। प्लेन पैरेलल टू द जनरेटर, तो वहाँ पर आता है पैराबोला। हमारा यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा गया था इंक्लाइन टू द एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, इलिप्स हो जाता है, ठीक, कैसा शेप हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा, तो इसीलिए आपका ऑप्शन भी इलेप्टिकल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर यहाँ पर पूछा गया है एलपीजी का मीन्स एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर 50 का भी सही हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कई बार पूछा जाता है एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सी गैस मिलाते हैं, तो होती है एथिल मर कैप्टन, ठीक, इसका मिक्सचर किया जाता है एलपीजी में उसके रिसाव को पता लगाने के लिए। 51 नंबर क्वेश्चन, किसी पाइप के थ्रेड के प्रकार को कहते हैं, टाइप ऑफ थ्रेड इन ए पाइप इज कॉल्ड। बेसिकली पूछ रहा है कि किसी भी पाइप में जो थ्रेड काटी जाती है वो कौन सी थ्रेड होती है, तो पाइप के लिए स्पेशल थ्रेड होती है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, जिसे BSP थ्रेड के नाम से जाना जाता है। एंगल कितना होता है, 55 डिग्री इसका एंगल होता है। इसके साथ साथ BSW का एंगल पूछा जाए तो इसका भी एंगल 55 डिग्री होता है। BSF का एंगल भी 55 डिग्री होता है। मेट्रिक थ्रेड का एंगल 60 डिग्री होता है। एक्मे थ्रेड का एंगल 29 डिग्री होता है। यहाँ से एक्मे थ्रेड के बारे में पूछा जाता है, तो इसका प्रयोग लीड स्क्रू पर किया जाता है, जहाँ पावर ट्रांसमिशन करना होता है लेथ में, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। BSP थ्रेड की एक और विशेषता होती है कि ये 3/4 inch पर फुट क्या होती है, टेपर होती है, जिससे कि लीकेज वगैरह को ये रोकती है, इसीलिए इसका प्रयोग पाइप में किया जाता है। 52 नंबर,
लेथ बेल्ट का निर्माण किससे किया जाता है? लेथ बेल्ट इज मेड ऑफ, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इसरो का, लेथ बेल्ट इज मेड ऑफ, तो होता बेसिकली कास्ट आयरन, ढलवा लोहे के द्वारा लेथ बेल्ट का निर्माण किया जाता है। क्यों किया जाता है ढलवा लोहे से? क्योंकि इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं मशीन पार्ट के कि बेल्ट पे ही माउंट होते हैं, तो उन सबके भार को सहन करने के लिए, उसके कंप्रेसिव लोड को सहन करने के लिए जो शक्ति होती है ढलवा लोहे की बहुत ज़्यादा होती है, 6200 समथिंग होती है, ठीक, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है मशीनों के बेल्ट बनाने के लिए। 53 नंबर क्वेश्चन की बात की है, चादर धातु ब्लैंकों से कप के आकार वाले घटकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कप शेप कंपोनेंट फ्रॉम शीट मेटल ब्लैंक इज कॉल्ड, कोई भी हमारा शीट मेटल है उसे कप के शेप में उसको कटिंग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको कहा जाता है डीप ड्रॉइंग या फिर कपिंग के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं उसे? डीप ड्रॉइंग या फिर कपिंग के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, सीटों की मोटाई के मापने हेतु कौन से गेज का प्रयोग किया जाता है? व्हिच गेज इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ सीट? ऑप्शन फिलर गेज, प्लग गेज, रिंग गेज या फिर वायर गेज। तो सीट की मोटाई किसके द्वारा मापी जाती है? तो वायर गेज के द्वारा मापी जाती है। सीट की मोटाई नापना हो या फिर वायर का डायमीटर नापना हो तो वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। ये 0 से 36 नंबर साइज में मिलते हैं, जो 0 नंबर होता है सबसे बड़ा साइज होता है, 36 सबसे छोटा होता है। पूछा जाता है जैसे जैसे गेज का नंबर बढ़ता जाता है तो सीट की मोटाई क्या होती है? तो सीट की मोटाई घटती जाती है। अदर ऑप्शन की बात की जाए फिलर गेज, तो फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है तो मैचिंग कंपोनेंट के बीच का गैप मापने के लिए, ठीक है। प्लग गेज बेसिकली होल के डायमीटर को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिंग गेज किसी शाफ्ट वगैरह के डायमीटर को, आउटर डायमीटर को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, बहुत बड़ी त्रिज्या का निर्माण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? डॉट 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 इज यूज फॉर मेकिंग वेरी लार्ज रेडियस, तो बहुत बड़े सर्किल का निर्माण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। डिवाइडर के द्वारा हम क्या करते हैं? कैलिपर के द्वारा, इसके द्वारा हम छोटे छोटे सर्किल का निर्माण करते हैं, लेकिन जब हमें बड़े सर्किल का निर्माण करना होता है तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो बड़े सर्किल का निर्माण करने के लिए क्लियर होना चाहिए किसका प्रयोग किया जाता है, डिवाइड सॉरी ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा कौन सा सही हो जाता है? सी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है 56 नंबर में, डॉवेल पिन का उपयोग किया जाता है? डॉवेल पिन्स आर यूज्ड फॉर, ये भी काफी सारे रिपीटेड क्वेश्चन इस पेपर में है, ये भी वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन में से ही है। तो डॉवेल पिन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो हिडन फास्टनिंग के लिए, आंतरिक फास्टनिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके भी हम डिटेल को देख लेते हैं। डॉवेल पिन जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में दिखाया गया, यहाँ पर आपको डॉवेल पिन दिखाई गई है, डॉवेल पिन यहाँ पर आपको बेसिकली देख पा रहे होंगे, तो पार्ट के क्या है ये अंदर ही दिखाई गई है, हिडन फास्टनिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये बेसिकली टेम्परेरी फास्टनिंग के रूप में मैचिंग पार्टों को क्या करती है, कंपोनेंट को संयोजित रखने का कार्य करती है, उसके भागों को एक हिसाब से अस्थाई मीन्स कह सकते हैं, टेम्परेरी रूप से भागों को संयोजित करने के लिए, मशीन पार्ट को संयोजित करने के लिए डॉवेल पिन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी हिडन फास्टनिंग सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर, किसी धातु का वह गुण धर्म कौन सा है जिसके कारण बिना चूके उस धातु का बंकन या तनन किया जा सकता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल वर्च्यू ऑफ व्हिच द मेटल कैन बी बेंट और स्ट्रेच विदाउट फेलियर। यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि वो डक्टिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहा, क्या कह रहा है, बेंट करने की या फिर स्ट्रेच करने की, ना कि उसको वायर के रूप में खींचने की। अगर वायर के रूप में खींचने कहा जाएगा तो डक्टिलिटी होगा, लेकिन बेंट स्ट्रेच कह रहा है विभिन्न शेप में मोड़ने के लिए, जैसे कि वो टूटे ना, तो ये गुण होता है उसके टफनेस के कारण, उसकी सुदृढ़ता के कारण ये गुण होता है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, उसका बंकन या तनन कर सकते हैं। हार्डनेस के द्वारा क्या होता है, कोई मेटल किसी अन्य मेटल को काट सकता है या काटने का विरोध करता है। ब्रिटलनेस, इम्पैक्ट लोड देने पर टुकड़ों में टूट जाता है, डक्टिलिटी जिसके कारण उसके वायर खींचे जा सकते हैं। और टफनेस क्या करती है, इम्पैक्ट लोड को सहन करती है, इसी के कारण इसको बेंड कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर की तरफ। पूछा गया है माइल्ड स्टील की तुलना में रबड़ क्या है? तो रबड़ इज लेस इलास्टिक देन माइल्ड स्टील, ठीक। माइल्ड स्टील की तुलना में रबड़ क्या होता है, कम प्रत्यास्थ होता है।
ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर अगर आप लोग चाहेंगे तो हम एक आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर एक प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा गया है। और देखने से हमें क्या लगता है कि रबड़ क्या होता है, ज़्यादा प्रत्यास होता है, माइल्ड स्टील कम प्रत्यास होता है। मान लीजिए कोई माइल्ड स्टील की कोई प्लेट है, इस पर हम अगर 10 kg का फोर्स लगा के इसको हम खींच रहे हैं, तो बेसिकली 1 mm या फिर 0.5 mm इसमें क्या होगा, इलोंगेशन होगा। और जैसे छोड़ेंगे तो बहुत जल्दी अपने शेप को क्या कर लेती है, रीगेन कर लेती है। अब इसी पर अगर हम 20 kg का फोर्स लगाकर इसको फिर से खींचे, फिर से 1 mm या 1.5 mm के करीब स्ट्रेचिंग होगी, फिर जैसे हम इसका बल हटाएंगे, फोर्स हटाएंगे, क्या होगा, तुरंत अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। बट इसके अपोजिट बात की जाए, अगर रबड़ को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भी हल्का बल लगाकर खींचते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। मीन्स वो इंचेस में 2 mm या 3 mm उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक। और जब उसको हम छोड़ते हैं, बल को हटाते हैं, तो अपने शेप को रीगेन करने में थोड़ा समय लेती है। इसी के विपरीत अगर उसको फिर से अगर खींच दिया जाए और उससे थोड़ा अधिक बल लगा के, तो क्या होगा, हो सकता है रबर में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए या फिर वो रबर वहाँ से टूट भी सकती है। तो बेसिकली प्रत्यास्थता क्या होती है, किसी भी अगर हम ऑब्जेक्ट के फोर्स लगा रहे हैं, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो इलोंगेशन हो जाए, फिर अगर उसको बल को हटाया जाए, रिमूव किया जाए फोर्स को, तो वो उसकी वापस उसकी आकृति को जितनी जल्दी प्राप्त करती है, उतना ही ज़्यादा क्या होती है, इलास्टिक होती। बट हम प्रैक्टिकल के द्वारा जब देखा गया है कि माइल्ड स्टील और रबड़ को हम जब इलोंगेट करते हैं, तो माइल्ड स्टील जल्दी अपने शेप को रीगेन कर लेती है, जबकि रबड़ थोड़ा देर से अपने शेप को रीगेन कर पाती। इसलिए रबड़ की जो प्रत्यास्थता होती है माइल्ड स्टील की तुलना में क्या होती है, कम होती है। मीन्स माइल्ड स्टील अधिक प्रत्यास्थ है, रबर क्या है, कम प्रत्यास्थ है। 59 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, किसी त्रिकोण के पार्श्व 3, 4, 5 के अनुपात में है, यदि सबसे लंबा पार्श्व 170 mm है, तो अन्य दो पार्श्व की लंबाई क्या होगी, यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। यहाँ पर ट्रेंगल का रेशियो क्या है, 3, 4, 5 है। अब सबसे लंबा कौन सा है, तो सबसे लंबा हमारा क्या है, 5 है, और 5 की वैल्यू कितनी दी गई है, 170 mm दी गई है। तो जो हमारा 5 रेशियो है किसके बराबर, 170 mm के बराबर है। तो अगर एक रेशियो की वैल्यू निकाली जाए तो ये 34 mm के बराबर आ जाएगा। जब हम क्या करेंगे, 170 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 34 निकल के आ जाएगा। तो अब इस 34 एक रेशियो के बराबर है, तो अगर 3 रेशियो की वैल्यू निकालें, तो 3 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 mm आ जाएगा। और फिर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 से, तो 136 mm निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, तो ऑप्शन नंबर ए 102 mm एंड 136 mm सही हो जाएगा। इसको भी हमने प्रीवियस पेपर्स में बहुत अच्छे से समझाया है, आप उस वीडियो को जाकर भी देख लीजिएगा। करना क्या है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा रेशियो 5 है, उसकी वैल्यू 170 के बराबर दे रखी है, तो एक वैल्यू आ जाएगी 34 के बराबर, तो 3 की वैल्यू 102 और 4 की वैल्यू 136 के बराबर हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मशीन बेड के निर्माण के लिए ढलवा लोहे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अभी हमने ऊपर ही क्लियर किया था कि ढलवा लोहे का निर्माण मशीन के बेड के लिए क्यों किया जाता है, क्योंकि वह अधिक ज़्यादा संपीड़क लोड का प्रतिरोध करता है। मीन्स सबसे ज़्यादा मीन्स वो क्या कर सकता है, कंप्रेसिव लोड को सहन कर सकता है, रजिस्ट करता है। इसीलिए मशीन के बेड बनाने के लिए इसका प्रयोग, कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। कास्ट आयरन में ब्रिटलनेस का गुण होता है, तो इंपैक्ट लोड को सहन नहीं कर सकता। और कास्ट आयरन की मशीनिंग करते समय हमें किसी भी कूलेंट का प्रयोग नहीं करना होता, क्योंकि इसमें फ्री ग्रेफाइट की मात्रा पाई जाती है, जो कि सेल्फ लुब्रिकेशन का गुण प्रोवाइड करता है। तो ये पेपर था हमारा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का, एग्जाम डेट थी 21/2/2015 को, जिसको हमने दो वीडियो में क्लियर किया। प्रीवियस वीडियो को आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा जाकर प्लेलिस्ट से। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। अब बेसिकली अभी हम फिटर ट्रेड को डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम मशीनिस्ट ट्रेड को लेंगे और टर्नर ट्रेड के पेपर को भी हम डिस्कस करेंगे। 1x1 ट्रेड के अनुसार हम चल रहे हैं। तो इसके साथ साथ आप साइंस मास्टर क्लासेस के भी प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर WCS के पोर्शन को भी आप क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि पेपर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए पेपर के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय।